आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे। आज गाइस हम जा रहे हैं बागा सरन शूट पे। सो अभी मॉर्निंग के बजे आई थिंक 6 बजे आज जर्नी स्टार्ट कर दिए, तो सामान वगैरह बिल्कुल हमने अपने पास ले लिया सारा। बाकी आगे गाड़ी में वेट कर रहे हैं, तो मिलते हैं सामान डालकर सरन में और लोकेशन देखो कैसे। आज के शूट के लिए गाड़ी ये जो आज हमारा साथ देगी, ये आ चुके हैं। इनको हम लिफ्ट दे रहे हैं। कहाँ जाना है आज आपने? इधर तो ठीक है, आपने कहाँ जाना है आज? ऐसे कैसे बैठ के आप बिना लिफ्ट मांगे? अरे हमारे को रोक लेते हैं। आजकल गाइस काम इतना ज्यादा है कि सोने का टाइम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही हम सोए हैं, सो के उठे हुए हैं, ठीक है। तो जितने में उठ रहे हैं उतने में सुबह होगी, सुबह होती है, अब कंटिन्यू जा रहे हैं। अभी फ्रेश होने नीचे आए घर पे, तो अभी फ्रेश हो गए हम, तो ऊपर से फ्रेश होके आ गए थे। भैया अभी फ्रेश हो रहे हैं पीछे, तो ये कह रहे हैं कि अभी आपको बहुत सारी जगह दिखाएगा हम, अभी आपको लवर पॉइंट भी दिखाएगा सुबह सुबह, ठीक है। जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे लवर पाए जाते हैं, लंबे लंबे लवर पाए जाते हैं, वो वहीं पर रहते हैं, ठीक है। तो आप कुछ कह रहे थे उसी स्टाइल में, कुछ कह रहे थे हाँ लवर पॉइंट के बारे में। अच्छा, अभी हम जस्ट हम पहुंचेंगे सबसे पहले लवर पॉइंट। हाँ लवर पॉइंट, ओके। और साथ साथ उसका नाम है सुसाइड पॉइंट। सुसाइड में दो पॉइंट है? यस। लवर पॉइंट नहीं यार, चल रहा है। अच्छा एक पॉइंट के दो नाम है, एक पॉइंट के दो नाम है। हाँ एक पॉइंट के दो नाम है, लवर पॉइंट एंड सुसाइड पॉइंट, कुछ भी हो सकता है। तो अब जाके देखते हैं। आज ज्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाएंगे, छोटा ब्लॉग बनाएंगे, मैन मैन आपको दिखाएंगे। हाँ ठीक ठीक, अब वहीं जाके देखते हैं, कर सकता है वहाँ पे। लवर घूमने जा रहे हैं, देखते हैं वो कैसा पॉइंट है भाई, जैसा जैसे लाइक बोल रहे हैं वैसे लाइक है कि नहीं है, वहाँ पे जाके पता लगेगा। अब अभी आते आते इस गेट के साथ कुछ सीन हो गया था। दो आदमी इस गेट के इधर से निकले क्योंकि बोले चाबी नहीं है। जब मेरी बारी आई मैंने देखा क्या सीन चल रहा है भाई, अंदर आके तो भाई के लिए चाबी मिल गई। गाड़ी हमने पीछे लगा लिए और अभी हम पहुंच चुके हैं रामपुर के NH रोड पे। काफी तेज तरीके से पीछे बस गाड़ियां जा रही है इस टाइम पे। अब ब्रेकफास्ट करने उतर रहे हैं, तो लवर पॉइंट मैंने आपको दिखाया नहीं इससे पहले क्योंकि हम वहाँ से जल्दी आ गए थे। तो अभी हम वापस जाएंगे इसके बाद, तो शाम के टाइम हम जब भी पहुँचते हैं तो उस टाइम मैं आपको दिखाता हूँ कि लवर पॉइंट कैसा है और कहाँ पर है, तो वो सब कुछ मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी पहुँचे हम NH रोड पे, मैन इसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। इस टाइम पर हम ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं और हमारे साथ वही ना तो ब्रेकफास्ट करते हैं और मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन पे। सो वो वाली लोकेशन हमने दिखाई नहीं, कौन सी, लवर पॉइंट रह चुका है। तो वापसी के लिए दिखाएंगे, जब वापस आएंगे तो उस टाइम पे लवर पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे कैसा पॉइंट है, ठीक है। हाँ वहाँ पे धूप पड़ गई थी तो उस वजह से हम रुके नहीं, जल्दी जल्दी में आ गए वहाँ से। तो अभी हम जस्ट पहुंचे NH में नीचे रामपुर के, क्या नाम बताया यहाँ का, बद्राश। हाँ बद्राश में भी पहुंचे। सो ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके तुरंत निकलते हैं। तो ब्रेकफास्ट में क्या करना है आपने भी, सभी हमारे पास है, देखो आटे के कट्टे है, पीछे किरियाने की शॉप है, सब कुछ है। बैक साइड में देखो चावल वगैरह सब कुछ है, सारा यहाँ पे अवेलेबल है। लेना है कोटा सर्दी का तो कॉन्टेक्ट करो कमेंट बॉक्स में। क्या बना मास्क, सुन रहे गाइस, देखो गाय के गोबर से भी मास्क बन रहा है, तो आप स्वच्छ रखिएगा, है ना। हाँ सही बात है। बैक्टीरिया वगैरह तो दूर दूर तक नहीं पहुंचेगा आप लोगों तक। ये हमारे गर्मा गर्म परांठे आ चुके हैं प्लस राजमा दाल के साथ। आ जाओ ब्रेकफास्ट रेडी है, चाय का भी कप नहीं, मजा है पहाड़ों में चाय नहीं पी तो क्या पिया फिर। गाइस इस टाइम पे बद्राश से हमने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया है, हैवी ब्रेकफास्ट करके अब यहाँ से निकल रहे हैं अपनी लोकेशन के लिए। सो गाड़ी हमने यहाँ पे लगाई थी और इस टाइम पर दोनों ही शेर आ रहे हैं पीछे से, एक छोटा शेर एक बड़ा शेर। गाइस आगे देख सकते हो आप काफी अच्छी लोकेशन, जो भी ये एरिया देख पा रहे हो आप लेफ्ट राइट जहाँ जहाँ तक आपकी नजरें आ रही है वो सारे का सारा आर्मी एरिया है। सो ये आर्मी का गेट है। सो इधर से हम निकल रहे हैं, यहाँ से जो रोड है वो जाएगा पार बागा सरन के लिए। आज हम गाइस निरमंड होके जाने वाले हैं। निरमंड आपने देखा होगा जो कि एक सॉन्ग भी बना है कि निरमंड की चमक छलो। सो आज हम उधर से जाने वाले और निरमंड में भी है कुछ, एक बार मैं पता करके पूछता हूँ। सबसे बड़ा गाँव है निरमंड, वही मैंने पता किया था। सो उससे पहले मैं एक गाइस ये पुल देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत पुल है यार, बहुत ही खूबसूरत, क्या पुल है यार। Yeah.
रामपुर में आते ना आते आते पूरी चंडीगढ़ वाली फील आ रही है भाई पूरी। पर हम नदी से आर हो चुके हैं, सतलुज के आर हो चुके हैं, अभी हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हैं और कुल्लू सतलुज के पाली साइड हम डिस्ट्रिक्ट शिमला में आ जाते हैं। ये देख सकते हो ये सारा आर्मी एरिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत और काफी दूर तक फैला हुआ है, तो छोटे छोटे कैंप लगे हैं यहाँ पे आर्मी के। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं अंबिका माता के मंदिर में जो कि निर्मंड में है। सो कैमरा रेडी है शूट के लिए और यहाँ देखो गाइस घंटी बहुत ही बड़ी है, आप देख सकते हो नीचे से भाई कितनी बड़ी घंटी है। सो और भी काफ़ी सारी घंटी और खूबसूरत मंदिर है यहाँ पे अंबिका के चरणों के चरण भी देख सकते हो। ये देखो कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है जो कि पूरा पत्थर का है। अभी हम पहुंच चुके हैं कुल्लू सरान में और अभी हम यहाँ पे देखो आगे ये कोदा चिलाई के खेत है, सो यहाँ पे भी शूट लेना है। गाइस इस टाइम हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में और कुल्लू में इस टाइम पे हम सरान वैली में, सो यहाँ पे भी शूट कर रहे हैं। नेक्स्ट लोकेशन ये है और आगे आप यहाँ पर देख सकते हो कोदा चिलाई होती थी जो पहले टाइम में, सो अब तो आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे आंटी आगे अभी कोदा चिलाई निकाल रहे हैं, चिलाई आई थिंक कोदा निकाल रहे हैं, वो देखा मैंने ये है छोटे छोटे ना, तो यूँ साफ करके यूँ करके इसमें दाने निकलते हैं अंदर से, ठीक है। हाँ सरसों की तरह छोटे छोटे दाने होते हैं। तो यहाँ पे अभी गैम्बल वगैरह रेडी कर दिया है, सो बाकी ड्रेस वगैरह चेंज कर रहे हैं। तो आगे की लोकेशन इसके बाद ऊपर जाके बहुत बड़ा ग्राउंड है वहाँ पे जाएगी, इसके बाद की जो लोकेशन है वो रहेगी। सो अभी यहाँ पे पहले शूट करेंगे फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर आपको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो देखो आगे शॉट की कैसे कैसे शॉट ले रहे हैं हम, तो बस मसाला आपको वही मिलेगा दोबारा से चैनल पे जाके कि क्या हमने बनाया है, वो आप लोग के बीच आ जाएगा बहुत जल्द। तो गाइस ये हम पहुंच चुके हैं, ये बागा सरान की फर्स्ट लुक कुछ लोकेशन इस तरीके से है, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं बागा सरान में और गाड़ी यहाँ पे लगी है और बहुत सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी यहाँ पे पार्किंग में लगी है। सो अभी हम जा रहे हैं लास्ट में, पीछे देख सकते हो बिल्कुल लास्ट जो दिख रहा है, बाकी हमारे टीम मेंबर आगे निकल चुके हैं, सबसे लास्ट में मैं हूँ। सो अभी हमने बिल्कुल लास्ट में जाना है और सामने से बहुत तेज़ धूप भी लग रही है, ठीक है। तो आई होप फेस अच्छे तरीके से दिख रहा होगा और बैक साइड पर बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ है, वो देखो गाइस बैक साइड पर आप देख सकते हो बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ है और लोकेशन बहुत ही अच्छी है, एक नंबर भाई, और बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे। ग्राउंड देख सकते हो आप, मतलब वैसे देख मतलब जो लास्ट में जा रहा है ना बिल्कुल लास्ट में जो कोने पर है ग्राउंड के, वो दिख ही नहीं रहा है कि है भी भाई वहाँ पे कोई कि नहीं है। सो अभी हमने बिल्कुल लास्ट में जाना है, वही सोचना पड़ा है भाई, कम से कम बहुत दूर दिख रहा है, जितना दूर जाए कि ना बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। बैक साइड पर देखो आप, वो लोग वहाँ पर पहुँचे अभी, तो अभी इतना वो बहुत नज़दीक है, अभी बहुत दूर जाना है। रोडू से हम कल के रामपुर आए हुए थे, तो रात को रामपुर में ही थे, तो रामपुर से यहाँ तक बागा सरान तक आई थिंक हमें 2 घंटे का सफ़र है, बट मैं तो रास्ते में सो गया था और फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पर उठा हूँ, तो नींद लग गई थी, बहुत थक गए थे, तो थकान चलते चलते ना सफ़र में थोड़ा सा थोड़ी सी नींद लग गई थी, मैंने कहा कि ना रेस्ट मार दिया जाए। उसके बाद हम पहुंच गए थे और यहाँ पे सामने पार गांव भी है, जैसे हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा गांव है और लोकेशन काफ़ी अच्छी है, घने घने जंगल है चारों ही साइड से, बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हैं चारों साइड का, घना जंगल है बहुत अच्छे से और बीच में बहुत बड़ा ग्राउंड है। अगर हो तो यहाँ पे अगर मैच हो ना, अगर मान के चलो यहाँ पे मैच हो, तो जो ग्राउंड है 1 2 3 4 5 बड़े बड़े जो स्टेडियम होते हैं ना, 5-6 ग्राउंड आराम से यहाँ पे बन जाएंगे, इतना दूर है। जितना पीछे दिख रहा है ना दूसरी साइड भी इतना ही दूर है, आप देखो दूसरी साइड को भी इतना ही दूर है, मतलब बहुत अच्छी लोकेशन है। तो एक बार विजिट ज़रूर करो अगर घूमने का प्लान बन रहा है तो, बागा सरान नाम मैं एक बहुत बार मिस कर रहा हूँ, तो फिसल रहा है मुँह से, मुँह में कैच में नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं आ रहा है नाम, तो आप देख सकते हो बाकी लोग आ रहे हैं कुछ इस साइड से आ रहे हैं कुछ इस साइड से, मतलब काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं, मतलब एक टूरिस्ट प्लेस है, तो वो कोरोना काल के चलते उस वजह से थोड़े से लोग कम हैं यहाँ पे, बट वैसे जो लोकेशन है वो एक नंबर है, बहुत ही खूबसूरत है, एक बार विजिट ज़रूर करना। गाइस अभी हम पिछले कोने पे जा रहे हैं, कहा जाता है कि जो यहाँ पे पानी बहता है ना उसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है, वो बिल्कुल साइलेंट तरीके से बहता है, जिस तरीके से कहते हैं ना बिल्कुल साइलेंट तरीके से, तो देखते हैं चेक करते हैं क्योंकि आवाज़ नहीं, चाहे पानी के अंदर भी जाओ और साफ बिल्कुल साफ पानी है, तो अभी बहुत पीछे है तो वहाँ पर पहुँच के देखते हैं कि कितना साफ है। गाइज हम अगले छोर से लास्ट छोर पे पहुंच चुके हैं, पानी की तलाश करते करते यहाँ पे पानी तो मिला नहीं, बट यहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, पानी पता नहीं है कि नहीं है, कोई आइडिया नहीं है,
तो अभी पानी ढूंढते हैं, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पे फोटो शूट चला है, फोटो शूट कंप्लीट होने के बाद दोबारा से वीडियो स्टार्ट होगी। सो बाकी लोकेशन देखो आप, बहुत ही खूबसूरत है। वो देखो कितनी दूर दूर तक चोटियाँ दिख रही, बड़ी औसम तरीके से। ये देख सकते हो गाइस आप, पीछे को भी है काफ़ी सारे, ये देखो पेड़ वगैरह काफ़ी अच्छी लोकेशन। गाइस इफेक्ट कैसा लग रहा है? आई होप अच्छा लग रहा होगा। बैक साइड में सूरज है, आप देख सकते हो बिल्कुल बैक साइड में बहुत ज़्यादा। ये देखो यार, ये अभी भी इफेक्ट आ रहा है हल्का सा रेडिश वाला। तो गाइज़ अभी क्या कर रहे हैं कि शूट हमारा ख़त्म हो चुका है, फोटो शूट हमने ख़त्म कर लिया है। थोड़ी सी हमने वीडियो की क्लिप लेनी है, कुछ और शूट लेने हैं वीडियोज़ के, वो रह चुके हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसे जैसे सूरज डूब रहा है जैसे जैसे आगे आ रहा है, बहुत ज़्यादा हाथ वगैरह शून हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी हमारे नवीन भाई ड्रोन लेने गए थे, तो वो काफ़ी दूर गए थे, तो वहाँ से भी आया है, तो काफ़ी टाइम लगा इनको भी आते आते। अभी खप हो चुकी है, हम यहाँ पर ड्रोन उड़ाने वाले थे, तो क्या हो गया कि ड्रोन की केबल लाना भूल गए। अब यार बहुत दूर जाना पड़ रहा है चल के मेरे को, क्योंकि नवीन भाई मैंने कहा यार एक बार चले गए थे थक गए हो गए, तो इसके बाद मैं जाता हूँ यार, मैं लेके आता हूँ फट दे के ड्रोन की केबल, और उसके बाद ले गया। और लाइटिंग आप देख सकते हो, इस टाइम पे लाइटिंग थोड़ी सी फेस पे पड़ रही है, और आगे को ऐसे भी दिख नहीं रहा होगा ठीक तरीके से फेस, क्योंकि जो सूरज है वो अपोजिट में बैक साइड से लग रहा है। तो अभी मैं जाऊँगा और गाड़ी लेके डायरेक्ट यहाँ आते हैं, क्योंकि यार इतना दूर किसने आना, शायद यहाँ पर गाड़ी लो नहीं करते, फिर भी कुछ पटाने पड़ेंगे ना लोग, पटाने से कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अच्छे से पटाओ लोगों को और गाड़ी वहाँ पे लेके जाते हैं। इसमें पहुँच चुका हूँ, देखो कितने दूर से भैया आराम से रेस्ट फरमा रहे हैं, फेस नहीं दिख रहा है, लाइट नहीं पड़ रही है, भैया रेस्ट फरमा रहे आराम से। सो अभी वहाँ पार से हम आए, अभी गाड़ी लेके जा रहे हैं यहाँ से वहाँ पे, अब देखते हैं किधर से रोड है किधर से नहीं है। क्यों सो गाइज हमने फाइनली ड्रोन शॉट यहाँ से ले लिया है, ड्रोन वगैरह पैक कर लिया है। सो अभी गलती से हमने गाड़ी यहाँ पे ला ली थी, तो अभी कोई स्टाफ का बंदा आया कि भाई गाड़ी क्यों लाई आपने, हाँ तो हमारे से गलती हो गई थी, तो मैंने कहा चलो बात करके सब कुछ हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप घूमने आओ तो यहाँ पे, तो आगे से गाड़ी पीछे मत लाना, हमारे पास सामान था ड्रोन वगैरह, तो वो मैंने कहा चलो गाड़ी लेके आते हैं पीछे। क्यों अब पीछे बाइक वाला आ रहा है, अब उसकी बारी क्षमत हो रही है कि अंदर कैसे लाया तेने बाइक, अब उसकी क्षमत हो रही है। तो अभी फट दे के अभी इससे पहले अभी आधा घंटा भी नहीं, आधे घंटे से पहले पहले धूप ग्राउंड को आधा आधा क्रॉस कर दी, मतलब हाफ ग्राउंड के हाफ में धूप पहुंच चुकी है, थोड़ा सा रह चुका फिर चलने वाली है। तो अभी आगे का क्या क्या प्लान है, बस आगे देखते हैं अभी ड्रेस पता करते हैं। हाँ ड्रेस लाई थी थोड़ी, यहाँ की जो कुलवी ड्रेसअप है वो लाया था थोड़ा, कि उस पर शूट लेते हैं, क्योंकि हमारे को चाहिए बेस्ट और अलग, कुछ यूनिक करने की ट्राई करते हैं हर टाइम हम, तो इस टाइम भी थोड़ा सा मैंने कहा यूनिक करे तो ज़्यादा बेटर रहता। तो फिर ड्रेस वगैरह पता नहीं क्या बोलते हैं क्या करते हैं, अब देखते हैं आगे क्या बनता है। बाकी अभी मंदिर है आगे, मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, यहाँ तक आए हैं तो, और वहाँ पे भी देखते हैं शॉट लाइक कुछ होगा तो शॉट ले लेंगे। इन पर शाहजहाँ और बेगम मिल रहे हैं, सो देख रहे हो काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं, और उसकी खुशी मिलने की। ये इस टाइम पर शूट चला है काफ़ी अच्छे तरीके से। सो ये कुलवी ड्रेस है, कुलवी ड्रेस कुछ इस तरीके से, बहुत ही खूबसूरत और शानदार। सो देख सकते हो आप, पर हम पहुंच चुके हैं बद्राश में, और इस टाइम हमारा चल रहा है चाय का टाइम, ठीक है। तो चाय चल रही है, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, गरम गरम चाय की, ठंड में गरम गरम चाय की चुस्कियाँ, मज़ा ही कुछ और है। सो अभी जस्ट नाउ पहुंचे, तो इसके बाद अब सीधे यहाँ से निकलते हैं घर, रामपुर में है इस टाइम पे बद्राश में, तो यहाँ से घर निकलेंगे और मिलते हैं उसके बाद घर में, और करते आज की जर्नी वहीं पर समाप्त, और मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी से, तो घर पर मिलते हैं इसके बाद।